अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों ये है रईस अमरोही कॉलोनी सादकाबाद। 11:30 औरंगी टाउन, यहाँ का एक व्लॉग बनाना था मैंने। यहाँ किसी काम से आया था तो सोचा कि क्यों ना आपको औरंगी टाउन 11:30 का इलाका भी आपको दिखा दिया जाए कि कैसा है, कैसा डेवलप हो चुका है, कैसा बन चुका है। रईस अमरोही कॉलोनी है ये। यानी के रईस अमरोही कॉलोनी और सादकाबाद, ये देखें मस्जिद भी मेरे ख्याल से दारुल उलूम सादकाबाद औरंगी, मौलाना अब्दुल हमीद गौरी साहब होते हैं। यहाँ पर बारिश हुई है और बारिश के बाद ये सूरत हाल है लोगों की, और मकानात की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। कुछ गलियाँ दिखाते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि जो आपको दिखाना है औरंगी टाउन जो है, क्या नाम है, अल्लाह भला करे कि औरंगी टाउन में कितनी तरक्की हो चुकी है कि जिस तरह जो पहले था ना पहाड़ी इलाका और ये इलाका और वो इलाका और पता नहीं किस किस किस्म के जो है ना कच्चे कच्चे रोड थे, अब देखें कई कच्चे रोड जो है ना थोड़े पक्के बन चुके हैं अभी, और कई जगह पे जो है ना कच्चापन भी है, यानी अभी कच्चे भी हैं। तो रईस अमरोही कॉलोनी के अंदर मौजूद हूँ औरंगी टाउन में। जो जो लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग देख सकते हैं, जितना मेरे से हो सकेगा मैं इलाका दिखाता हूँ, उसके बाद निकलने की करेंगे, क्योंकि कुछ हालात ऐसे होते हैं ना दोस्तों, कुछ हालात ऐसे होते हैं कि हमें जो है ना खुद भी एहतियात करनी पड़ती है। ये देखें ये थोड़ा कच्चा रोड है, यहाँ के मकानात की ये बराए फरोख्त अभी पता नहीं कितने का होगा। बहुत बड़ा है दोस्तों ये औरंगी टाउन का इलाका, बहुत ही बड़ा है। तू बिल्कुल नहीं बोल। ये आ गया, कौन सा रोड है ये, अब मुझे नहीं पता कौन सा रोड है। यानी कि इलाका तो एक ही है, औरंगी टाउन का इलाका है ये 11:30 का। बाकी आप देख लीजिए क्या चीज़ है, ये ऑफिस है या स्कूल है, ग्राउंड है ये, बाकी कच्चे कच्चे मकान बने हुए अभी भी देखें, और ये ग्राउंड है, अल्लाह भला करे कौन सा है ग्राउंड है, क्रिकेट खेल रहे हैं लोग। कुछ पहाड़ी सिलसिला नज़र आया था वहाँ पे जाना, वो लोग पे घर बने हुए थे पहाड़ी सिलसिले पे, ये देखें। काफ़ी जो इलाके हैं जैसे मंजूर कॉलोनी हो गया, महमूदाबाद हो गया, आज़म बस्ती हो गया, इस तरह का इलाका बन चुका है। यानी कि वो भी डेवलप है, लेकिन ये भी डेवलप है ना, है ना रास्ता यार। किसी जगह पे छोटी गलियां हैं, किसी जगह पे बड़ी गलियां हैं। ये भी कच्चा इलाका बना हुआ है, यानी कि कच्चा रोड कच्चा है, यहाँ पे मट्टी मट्टी हो रही है। आगे भी आपको दलदल नज़र आ रही है, जो कि बारिश के बाद जो सूरत हाल थी वो ये है।
ये आ गया पहाड़ी सिलसिला। ये कितना माशाल्लाह से खूबसूरत मकान बना हुआ है। ये अभी प्लाट पड़े हुए हैं, काफ़ी बिक रहे होंगे यहाँ पे, काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पे। अब इनकी वैल्यू क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि स्टेट एजेंसी वाला तो है नहीं कि बंदा पूछ ले उनसे ना। अच्छा एक और बात मैं बता दूँ आपको कि मैं अभी जो है ना वो एक पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पर भी जाता हूँ। वो थोड़ा सा इलाका दिखाता हूँ आपको, वो थोड़ा पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा मुझे। यहाँ रास्ता बंद है, ये सिर्फ इधर आने का मतलब सिर्फ ये है दोस्तों के बता दो ना आपको कि कहाँ रास्ता बंद है कहाँ नहीं। तो वापस चलते हैं, थोड़ी सी वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, तो अभी फ़िलहाल वीडियो तो छोटी है। तो एक जगह पे और मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो करेंगे एंड। पहाड़ी सिलसिला है, उस पहाड़ी सिलसिले पे चढ़ते हैं। वो सामने आपको नज़र आ रहा है, लेकिन वो नहीं, एक और जगह है पहाड़ी। हाँ दोस्तों, ये वही जगह आ गई जहाँ से चार नबीना भाई हैं, सामने यही पट्टी है। अब हमने जाना सीधे हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ जाकर ये आपको मैंने दिखाया है औरंगी टाउन 11:30। ये औरंगी टाउन 11:30 का बाज़ार है ये, और आगे भी मेन बाज़ार है, मेन चौक है वो। पिछले दिनों में यहाँ आया था, जब आपकी अमानत पहुँचाने आया था तो पिछले दिनों में आया था यहाँ पर, मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ये औरंगी टाउन का इलाका दिखा नहीं सका, हालांकि दिखाना चाह रहा था दिखा नहीं सका। अच्छा ये मैं आपको एक छोटी सी जगह दिखाता हूँ, ये पहाड़ दिखाना है मैंने दोस्तों आपको। ये बाज़ार है इसका, औरंगी टाउन का मेन बाज़ार, चौधरी डेयरी फार्म। इस पहाड़ी पे चढ़ना था मैंने, दोस्तों ये अभी मैं पहाड़ी पे चढ़ रहा हूँ, ये पहाड़ी पे मकानात बने हुए हैं, ठीक है। औरंगी टाउन की पहाड़ी के ऊपर मकानात बने हुए हैं, ये देखो। वो छोटा सा पपी दिखाना था पहाड़ी। ये इलाका दिखाना था दोस्तों पहाड़ी का, ये पहाड़ी पे जो है ना ये बना हुआ है।
औरंगी टाउन की तरफ वापस, क्योंकि उतरने का सिलसिला वहीं पर है, यहाँ नहीं है, वहाँ यहाँ से नहीं है रास्ता, वरना मैं यहाँ से चले जाता। तो आपने आपको इधर रख दिया, औरंगी टाउन 11:30। दोस्तों आपसे इजाज़त, आपने औरंगी टाउन देख लिया, बल्कि अभी पूरा थोड़ी दिखाया है, औरंगी टाउन बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत बड़ा है, हम दिखा भी नहीं सकते पूरा, बस जितना हमने दिखाना था आपको दिखा दिया। यानी कि इसी तरह के होंगे हर जगह पे मकान ना जो भी होंगे, ये पहाड़ी सिलसिला था जो कि हम उतर रहे हैं पहाड़ी सिलसिले से। ये बाजार है और ये मेन चौक है, ये हमारा सफर वापसी की तरफ है। ये मस्जिद है, मस्जिद का नाम क्या है नहीं समझ आ रही, क्योंकि मोटरसाइकिल चला रहा हूँ उधर ध्यान नहीं देना। ये आ गया कोयटा माशाल्लाह लकी स्टार होटल, ये मेन चौक है, ये है यहाँ की रौनक है औरंगी टाउन 11:30 की, ये चप्पल की दुकान है। चलें दोस्तों यहीं से चाहेंगे इजाज़त, और इजाज़त चाहते दोस्तों यहीं से, औरंगी टाउन आपने देख लिया, और औरंगी टाउन देखने के बाद आप ज़रा हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा, इलाका कैसा तरक्की याफ्ता हो गया है या नहीं, जो पहले रहते थे लोग यहाँ पर, तो अब यहाँ की ज़िंदगी यहाँ कैसी है, वो जो गुजरी यानी कि चले गए हैं यहाँ से औरंगी टाउन से, जैसे कोई दूसरे इलाके में चला गया है या कोई बाहर के मुल्क चले गए हैं, तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा इलाका हो गया, अब तरक्की हो चुकी है या पहले कैसा था इलाका या अब कैसा इलाका है, कोई फ़र्क है या नहीं है। मुझे तो काफ़ी फ़र्क नज़र आया। तो इजाज़त चाहते दोस्तों औरंगी टाउन 11:30 से, तो अल्लाह हाफिज़।